नमस्कार साथियों, वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ राजस्थान का एक अद्भुत नज़ारा। नहर देख पा रहे हैं भाई, थोड़ी सी वीडियो में आप बढ़े रहे हैं, मैं आपको एक नज़ारे शानदार नज़ारा दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो में आप पीबीएन नहर देख पा रहे हैं बाखड़ा, और ये यहाँ नहर क्या है कि ज़मीन में घुस जाएगी बिल्कुल प्रॉपरली। क्यों घुसेगी वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो में। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये अंडरग्राउंड हो गई जमीन में, ये देखो जी, ये आके नहर खत्म हो गई। ये इसलिए हो गई कि आगे मरुस्थल के टिब्बे आ लिए भाई। वीडियो में जो आप देख पा रहे हैं आगे टिब्बे आ गई, टिब्बे आने क्या है कि कारण अब ये नहर हो गई यहाँ पे बंद, यानी कि अंडरग्राउंड हो गई है। आगे ज़मीन ऊपर है, नहर का लेवल बिगड़ गया, इसलिए सारा सिस्टम है आउट हो लिया। क्या बेहतरीन नज़ारा देखो भाई आप, यानी कि जो वीडियो में आप जो ये नहर देख पा रहे हैं, ये नहर का पानी देख पा रहे हैं आप, काफ़ी बड़ी नहर है। और इस नहर को यहाँ आके बिल्कुल टिब्बों में कर दी भाई, ये ख़त्म हो गई है नहर आके बस। जय राम जी की। है ना कमाल की चीज़। और ये राजस्थान में आपको ऐसी बहुत सी जगह देखने को मिल जाएगा भाई, ये जो नज़ारा है राजस्थान में आपको बहुत सी जगह देखने को मिल जाएगा। इस तरह से काफ़ी बड़ी जो नहर है उस नहर को यहाँ आके ख़त्म बस, और आगे ये टिब्बा टुब्बा जब ख़त्म हो जाएगा फिर ये वापस आगे निकल जाएगी। हाँ, 7 बीघा लंबी है भाई, लगभग ये 2 मरबे के आसपास लंबी है। इस तरह से अंडरग्राउंड चलेगी ये नहर। तो मतलब ये काफ़ी बड़ा टिब्बा है, उस टिब्बे के अंदर अंदर चलेगी नहर। यानी कि गवर्नमेंट का यहाँ इस प्रोजेक्ट पर लाखों रुपए खर्च हुआ है किसानों के लिए, बेहतरीन चीज़ है भाई। ये बाखड़ा की टहल पे हूँ मैं आज पीबीएन नहर पे। ये जो अभी आप नहर देख पा रहे हैं, इस नहर का जो पानी है वो यहाँ आके अंडरग्राउंड हो जाएगा ख़त्म, आगे नहर ख़त्म और पानी अंडरग्राउंड हो जाएगा, और ये 7 मरबे बाद जाके वापस नहर वापस ज़मीन में से बाहर निकलेगी भाई, जो भी आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो ये लोकेशन आप देखना चाहें, नज़ारा देखना चाहें, तो ये बाखड़ा की टेल है जी सूरतगढ़ के पास। बहुत ही शानदार चीज़ लगी मेरे को, मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं भाई, पसंद आएगी।